भगवान ने इंसान बनाया, खाने के लिए मुंह और जुबान बनाया। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग खाने में कम और बोलने में ज्यादा जुबान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि लोग काम के बाद कम और फालतू के बाद ज्यादा बोलते हैं। जैसे मुझे ही देख लीजिए, मतलब अगर बोलने में रिचार्ज कराना हो तो फिर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं सुबह के न्यूज पेपर से ही। पत्नियों के रिचार्ज न कराने पर पत्नियां बैठी धरने पर। इस पर पतियों का यह कहना है कि हम दोनों का रिचार्ज एक बार ही होता है, लेकिन पहले पत्नियों का खत्म हो जाता है क्योंकि वह जरूरत से ज़्यादा बोलती है। इस पर पत्नियों का बयान नहीं मिल पाया है क्योंकि उनका रिचार्ज ही खत्म है, और पति इस पर खुश है क्योंकि उन्हें शांति मिल रही है। कोर्ट में अपराधी को सजा सुनाते समय जज साहब का रिचार्ज खत्म होने के कारण आज कोर्ट की कार्रवाई रद्द कर दी गई। जज साहब ने इशारे में ये बताया कि कल मैं पूरी तरह से रिचार्ज हो जाऊंगा, तब इसकी सजा सुनाई जाएगी। वैसे तुम्हारे में कितने का रिचार्ज है? मेरे में तो अभी 1000 का रिचार्ज है, कम का थोड़ी ना रखता हूँ गरीबों जैसा। और तुम्हारे में? मेरे में तो 500 का है, लेकिन जो भी है अपने दम पर है। पप्पा जी बोलते हैं कि जिंदगी में अपना रिचार्ज खुद से कराओ, वरना ये दुनिया तुझे बोलने नहीं देगी। वैसे एक बात तो है, अगर बोलने में रिचार्ज नहीं करना पड़ता तो लोग ऐसे ही बेमतलब के झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बहस छेड़ देते हैं। बस तो दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कब आएगी। भाई से पूछते हैं। भाई मुजफ्फरपुर जाने वाली बस कब आती है? 5 बजे। अरे 5 रुपया मांग रहा है। ओफ धंधा, बताने में ज्यादा से ज्यादा 50 पैसे का रिचार्ज लगेगा, उसके लिए 5 रुपया। अरे दे दो, क्या करोगे, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। सुबह से तो 2 बस निकल चुकी है और शाम तक कोई बस नहीं है। अबे जब बस नहीं था तो पैसे लेने का क्या जरूरत था, ऐसे ही सारा मैं बता देता। मतलब 5 रुपया और देंगे तब बताओगे? अरे क्या लालची आदमी है यार। अरे चलो, खामा खा हम लोग अपना रिचार्ज खत्म कर रहे हैं। इससे इतने में तो टेम्पो भरा करके चल जाएंगे। पर वो क्या है ना कि जब हम वहां से जा रहे थे तभी तो तुमको वहां से आते हुए देखे। अरे नाना ऐसा ना कहो, अरे सच में ऐसा है क्या? क्या है ना, बात तो सुनिए। बात तो सुनिए।
अच्छा गाली देना है, ये लो भाई 30 रुपये का प्रो वर्जन। इसको लेने के बाद ऐसा ऐसा गाली आएगा कि कोई जिंदगी में नहीं सुनेगा, जाओ तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं करेगा। आज उसको नहीं छोड़ेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे आज उसको। दस वाला 5 चाहिए, 5 वाला 10 चाहिए, एक 10 वाला, एक 5 वाला। क्या मुसीबत है यार, जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तब लेने आता है, जितने का सामान नहीं लेगा उतने का मेरा रिचार्ज खत्म कर। आज उसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करें, हमारा आधे रास्ता में रिचार्ज भी खत्म हो जा रहा है। दस वाला 3 चाहिए, अच्छा 30 वाला चाहिए, 30 वाला प्रो वर्जन। हाँ तो वैसे बोलो ना, वैसे भी बोलोगे कैसे, रिचार्ज तो पूरा खत्म है, सारे भिखारी लोग मेरे ही दुकान पे आ जाते हैं। ज्यादा बोलो मत, प्रो वर्जन लिया हूँ, समझ सकते हो, किसी को दबाकर गाली देना है, और तू ज्यादा बोला ना तो सारा प्रो वर्जन तेरे ऊपर ही उतार दूंगा, समझा। ये ले जा, पूरा अपना भड़ास निकाल दो, बाद में पैसा देना। मैंने उसका 1000 क्या लिया, वो मुझसे रोज रोज मांगता है, मैंने उसे बोल दिया कि दे दूंगा पर मानता नहीं है, आज उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका खैर नहीं। क्या आदमी है यार, मतलब उसी का पैसा और उसी को गाली दे रहा है, मतलब मेरा पैसा मैं मांगू तो मुझे ही गाली देगा, मेरे दुकान पर ही चाहिए। थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन ऐसा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन किया होगा, तो वीडियो को करिए लाइक। और हां, आपके लिए लाया है विनय की शायरी ऐप, जिसमें फनी, मोटिवेशनल, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बहुत सारे तरह के शायरी मैसेजेस मिल जाएंगे, जिससे आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस में लगा सकते हैं और भी पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे तरीके का, जिसमें आपको मिलेगा एकदम नया नया, जो कि मैं खुद लिखता हूं उसमें, और भी आप चाहे तो उसमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि विनय की शायरी ऐप का नया अपडेट आ चुका है। और अगर आप पहले इसे डाउनलोड किए थे तो अपडेट कर लीजिए, या डाउनलोड करके अनइंस्टॉल कर चुके तो एक बार जरूर इसे ट्राई करिए, अब की बार बहुत आपको पसंद आने वाला है। पिछले बार का इंटरफेस बहुत ही बेकार सा था, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाला है। आप भी चाहे तो आप उसमें अपना मैसेज डाल सकते हैं, जो कि डायरेक्ट मेरे तक पहुंचेगा, और इसमें एक व्हाट्सएप सर्वर भी है, जिसमें अपने दोस्तों का व्हाट्सएप का स्टेटस आप सेव भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियो को मिस कर जाते हैं तो हम आपके तक उस ऐप के थ्रू डायरेक्ट मैसेज कर देंगे, मतलब आपके पास एकदम डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा कि हाँ मेरा वीडियो आ चुका है, और इससे आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे, कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो जरूर एक बार ट्राई कीजिए विनय की शायरी ऐप, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च मारते हैं विनय की शायरी और आपको मिल जाएगा, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। और तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।